दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या होता है नार्को टेस्ट? कैसे मुजरिम पकड़ा जाता है या किसी का भी नार्को टेस्ट किया जा सकता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब का मामला हो या फिर दिल्ली के आरुषि मर्डर केस का मामला हो, जितने भी बड़े बड़े केसेस देश में देखे गए हैं उन सभी में नार्को टेस्ट इस्तेमाल हुआ है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये नार्को टेस्ट होता क्या है, उसमें किस तरह की चीजें होती हैं और कैसे पता चलता है कि टेस्ट के दौरान इंसान झूठ बोल रहा है या सच। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले 2002 में गोधरा केस में नार्को टेस्ट किया गया था। उसके बाद कई सारे बड़े बड़े केसेस में नार्को टेस्ट हुए हैं। ऐसे में कई सारे नार्को टेस्ट होते रहते हैं, पर आखिर में इसमें होता क्या है और क्या कोर्ट में नार्को टेस्ट को एविडेंस माना जाता है? तो दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर हम हाल ही में चल रहे श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात करें तो पुलिस का साफ कहना है कि उसे मारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि हार्डकोर क्रिमिनल है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पश्चाताप की भावना नजर नहीं आ रही। जहां कोर्ट में पेश करने के बाद जब कई सारे वकील लगातार चिल्ला रहे थे कि इसे फांसी देनी चाहिए, तो उस दौरान भी इसके अंदर कोई डर या पश्चाताप की भावना नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये नार्को टेस्ट होता क्या है? असल में दोस्तों जो नार्को शब्द है उसे नार्को एनालिसिस के तौर पर जाना जाता है, जिसमें सोडियम पेंटाथॉल नाम के इंजेक्शन उस शख्स को लगाई जाती है जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है। जब इंजेक्शन किसी को लगता है तो उसकी इमेजिनेशन जीरो हो जाती है, यानी वो सोचने समझने की क्षमता में नहीं रहता या फिर कह लीजिए हिप्नोटाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो झूठ बोल ही नहीं पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया है, सारे केस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बस मुजरिम को सामने लाओ और उसे सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दे दो, जिसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है, बस वो फटाफट सच बोलने लग जाएगा। वैसे आपको बता दें जब सर्जरी किसी की जाती है तो वहां भी इसी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंसान पूरी तरह बेहोश नहीं होता, उसके साथ जो भी चीजें होती है उसे महसूस होती हैं, लेकिन उसका दिमाग उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की कगार पर नहीं होता और ना ही उसे ज्यादा दर्द महसूस होता है। साफ तौर पर कहा जाए तो इस ड्रग को इंसान के सोचने समझने की क्षमता खत्म करने के लिए उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक वैसे जैसे बच्चा होता है जो अपने मन की बात बिना सोचे समझे बोल देता है, ठीक उसी तरह इंसान का मन भी इस इंजेक्शन को लगाने के बाद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने चोरी की है लेकिन उससे पूछा जाए कि तुमने चोरी की है तो वो साफ मना कर देगा, क्योंकि उसके तार्किक दिमाग को पता है कि अगर वो ये बोल देगा उसने चोरी की है तो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, इसलिए अपने बचाव के लिए वो झूठ बोलता है। लेकिन अगर उसे ये सच बोलने वाले इंजेक्शन को लगा दिया जाए फिर पूछा जाए कि तुमने चोरी की है तो वो सच बोल देता है, क्योंकि इस टाइम उसका तार्किक दिमाग सोच चुका है, अब कोई अच्छा बुरा सोचने वाला नहीं है, सिर्फ अवचेतन मन में वो बातें मौजूद है जो सच्ची है। इसलिए जब इस इंजेक्शन को लगाने के बाद मुजरिम से पूछा जाता है कि तुमने चोरी की है तो वो बिना अच्छा बुरा सोचे बोलता है हाँ मैंने चोरी की है। दोस्तों नार्को टेस्ट का तो सिस्टम आपको पता चल ही गया, आइए अब ये जान लेते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। असल में पॉलीग्राफ टेस्ट में मुजरिम को बिठाया जाता है और मैथमेटिकली ये चीजें देखी जाती है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि आप जब सच बोल रहे होते हो तो आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस में होती है, लेकिन जब आप झूठ बोल रहे होते हो तो आपकी बॉडी का बिहेवियर बदल जाता है, कभी हल्का सा पसीना आता है, कभी दिमाग झूठी कहानी गढ़ने में समय लगाता है और इंसान हकलाने लगता है, कई लोग नर्वस होकर अपने पैरों को हिलाने लगते हैं, और ये सारी चीजें पॉलीग्राफ टेस्ट में नोटिस की जाती हैं, और इन सारी चीजों को नोटिस करने के लिए बॉडी के मेन एरिया में इलेक्ट्रोड्स घुसाई जाती है, यानी आपने देखा होगा हाथ और सीने वगैरह में पल्स और पसीने वगैरह को मेजर करने के लिए वायर चिपका दिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पल्स से देखा जाता है कि बॉडी में क्या मूवमेंट चल रही है, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलेगा तो उसकी सांसें तेज होंगी, उसे पसीना आएगा, और ये सारी चीजें वायर के जरिए मशीन में दिखाई देने लगेगी, जिन्हें देखकर टेस्ट ले रहा बंदा तय करता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच।
जिसे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे में अगर आप अपना बयान दे रहे हो और आपकी पलकें फड़क रही हैं या फिर डर के मारे आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन आप सच बोल रहे हैं, तब भी ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे धुरंधर लोग भी हैं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि लाई डिटेक्टर मशीन भी गच्चा खा जाती है, क्योंकि वो झूठ को भी इसी तरीके से बोलते हैं कि सच लगता है। मन में पूरी कहानी गड़गड़ बैठे होते हैं ये लोग, उन्हें पता होता है कब क्या बोलना है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो धुरंधर लोग होते हैं जिन्हें अपनी बॉडी और अपने माइंड पर कंट्रोल होता है, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी हरा देते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या इस तरह के टेस्ट कोर्ट में स्वीकार किए जाते हैं? तो दोस्तों जवाब है नहीं। इस तरह किसी भी टेस्ट को कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। अब आप बोलेंगे अगर इसे स्वीकार ही नहीं किया जाता है तो ये टेस्ट होते ही क्यों है? तो दोस्तों इस तरह के लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, ताकि मुजरिम से उन चीजों का भी पता लगा सकें जो अभी तक छुपी हुई है, ताकि उसे जानकर पुलिस एक नए नजरिए से अपनी तहकीकात शुरू कर दे और केस के पुख्ता सबूतों को ढूंढकर उसे अंजाम तक पहुंचाए और ये पता लगाए कि मुजरिम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है। आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, अब आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।